कुछ नया हो रहा है उनको प्रदेश के अंदर लाने का एक प्रयास करना, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वही विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो अभी भी डेफिसिट है उसका मूल कारण है जन जागरूकता का अभाव, अवेयरनेस न होने के कारण लोगों के मन में एक भय बना रहता है। और मैं अक्सर इस बात को देखता था, हम लोग भी देखते हैं पूरे देश के अंदर, अगर आज के दिन पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कुल ब्लड की आवश्यकता है लगभग 15% 15 से 20% ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे इतनी कमी देखने को मिलती है। और यह तब जब इस फील्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, आज से दशकों पूर्व एक यूनिट ब्लड से केवल एक व्यक्ति के लिए उसको उपयोगी हम बना सकते थे, एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो पाता था, लेकिन आज एक यूनिट ब्लड कई लोगों की जान बचाने में योगदान दे सकता है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट लगने से आखिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एक ब्लड से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट निकाल करके उसके माध्यम से अनेक लोगों की जान को बचाने में या उनके लिए उसे सहायक बनाने में उसने मदद की। लेकिन जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया या जिन लोगों ने उस तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, वे आज भी होल ब्लड पर ही निर्भर होकर के वहां की व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहीं से समस्या खड़ी होती है। मैं अक्सर देखता हूं कितना अभाव होता है। मैं एक सांसद के रूप में गोरखपुर में लंबे समय तक काम किया, संजोग से मैं जिस धार्मिक पीठ से जुड़ा हुआ हूं उस कैंपस में एक चैरिटी हॉस्पिटल है और चैरिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अक्सर भीड़ रहती थी। अक्सर कोई घटना हुई, कोई पेशेंट आया, कोई एक्सीडेंटल केस आया, भीड़ इतनी हो जाती थी, अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा होती थी। एक बार की घटना था, मैंने देखा बड़ी व्यवस्था, मैं उधर से गुजर रहा था तो मैं उस तरह मैंने कहा भीड़ क्यों है, मैंने देखा एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल एक पेशेंट वहां आया हुआ था, डॉक्टर लगे थे लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसके बीच में उन्हें फर्स्ट एड देने में भी दिक्कत हो रही थी। तो अब वहां पे मैंने वहां के चिकित्सकों से और जो वहां पे अन्य लोग थे कर्मचारी थे, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा इतनी भीड़ के बीच में डॉक्टर कैसे काम करेगा, इस भीड़ को तो बाहर करो पहले, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अचानक मेरे मन में एक बात आई, मैंने एक डॉक्टर को बोला, मैंने कहा एक बात सुनो, मैंने कहा इनसे बोलो कि भाई जितने लोग इस पेशेंट के साथ में उनसे बोलो कि ब्लड देना है। और जैसे ही डॉक्टर ने उनसे कहा परिवार के लोगों को कि भाई ब्लड देना है, मैंने देखा वहां से एक एक करके लोग बाहर जाने लग गए, भागने लग गए। और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मैंने देखा कि वहां पूरा हॉल खाली, इमरजेंसी का पूरा हॉल खाली हो चुका था। तब मेरी समझ में आया कि देखिए व्यक्ति सामान्यता दिखाने के लिए तो बहुत कुछ बोल देता है कि हम बहुत खास हैं, सब कुछ है, अब उसके परिवार के लोग भी उसे ब्लड देने को तैयार नहीं है।
कारण है। हमने ब्लड डोनेशन के बारे में जो जागरूकता पैदा करनी चाहिए थी वह हम नहीं कर पाए, और यही कारण है कि अगर पूरे देश की डिमांड है 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की, तो 20 से 25 लाख यूनिट आज भी देश के अंदर कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव है। और यहीं से शुरू होता है, जब पेशेवर रक्तदाता शोषण करता है, तमाम प्रकार की बीमारियों को ब्लड के साथ वो देने का काम करता है, और फिर वहीं से समस्याएं खड़ी होती हैं जो इस पवित्र पेशे पर प्रश्न जहां से खड़े होते हैं। इस फील्ड में बहुत प्रगति हुई है और बहुत अच्छा काम भी हुआ है। मैंने तो यहां पे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सामान्यतः शासकीय कार्यों से बहुत कठिन होता है कि हम किसी एक विभाग को फोकस करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर जहां पे एक एक व्यक्ति की जान बचाना प्राथमिकता थी, उस दौरान मैं देखता था कि जिस प्रतिबद्धता के साथ चिकित्सकों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया वह अत्यंत अभिनंदनीय था। इस फील्ड में क्या कुछ नया हो सकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तकनीक का उपयोग करने के लिए कैसे हम कर सकते हैं। मुझे याद है जब कोविड के आने के पहले उत्तर प्रदेश के, यानी लगभग आधा उत्तर प्रदेश ऐसा था जहां पे आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, लेकिन जब प्रयास किया गया तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम लोगों को यह सुविधा देने में सफलता प्राप्त हुई। प्रयास किया गया कि भाई हमने बेड्स तो बढ़ा दिए, इसके विशेषज्ञ कहां से आएंगे, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ या टेक्नीशियन कहां से आएंगे, ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी हमारे साथ साथ चले। और एक सक्सेसफुल मॉडल हमारा था उस समय जब हम लोग यहां से प्रदेश से केजीएमयू से एससीपीजीआई के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों की वर्चुअल आईसीयू का संचालन भी कर रहे थे। विशेषज्ञ वहां था, उसको कोई परेशानी होती थी यहां से टीम वहां जाती थी, कभी केजीएमयू की कभी एससीपीजीआई की, और वहां जाकर के उनको इन सुविधाओं के बारे में बताती थी, उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती थी, लेकिन फिर भी कहीं कोई समस्या होती थी टीम वहां पहुंच करके, कोविड कालखंड में वहां पहुंच करके बेहतरीन सुविधा देती थी। फ्रंटलाइन वर्कर जो हमारा था वह भी उसी मजबूती के साथ काम कर रहा था, एक एक घर में जाकर के दस्तक देता था, स्क्रीनिंग करता था, बेहतरीन सर्विलांस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। परिणाम रहा कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने मृत्यु दर को न्यूनतम रखने और इसके संक्रमण के फैलाव को रोकने में भी काफी हद तक सफलता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता उस दौरान हमें प्राप्त हुई, इसमें सभी चीजें थी। एक, हमने नॉलेज को भी प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया, एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद की, तो टेक्नोलॉजी को भी अपनाने में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। परिणाम हम सबके सामने था, आपने देखा होगा उस दौरान कोविड कालखंड में कि भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी भारत की है। अगर हम यूएसए की तुलना करें तो यूएस भारत से एक चौथाई आबादी है, लेकिन जब कोविड प्रबंधन की बात आई तो वहां की तुलना में भारत के अंदर जो संक्रमण की दर थी वह भी कम थी और मृत्यु दर भी भारत के अंदर यूएस से काफी कम थी।
ये चीजें दिखाती हैं कि प्रबंधन के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम नॉलेज को भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने में योगदान करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ सकते हैं। और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस नॉलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान करने के बहुत सशक्त माध्यम बनते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि KCMU जो देश के पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है, KCMU देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी एक है, लगभग 4,500 बेडेड हॉस्पिटल KCMU संचालित करता है। प्रतिदिन की OPD KCMU की लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, तो यानी एक महीने की इनकी जितनी OPD होगी मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ देशों की तो आबादी उतनी होगी। और वर्ष भर का आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी है, लगभग 10,000 से 15,000 पेशेंट प्रतिदिन वहां आते हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं। फिर भी उस चुनौती का सामना करते हुए इसका इस KCMU के सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार के जो सेमिनार हैं, इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस है, वह लोगों में अवेयरनेस के भी माध्यम बनेंगे। हम मानते हैं एक संख्या यहां पर आई जो टॉप होंगे, उनमें बहुत सारी चीजें मीडिया में आएंगी, लाखों लोगों तक बातें पहुंचेंगे, लाखों लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो अभी भी लोगों के मन में यह है कि हमें ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह भय दूर होगा। एक डॉक्टर बोलता है, जब डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर की बात को पब्लिक सुनती है, एक अधिवक्ता बोलता है तो उसकी बात को एक कॉमन मैन विश्वास करता है। जो जिस फील्ड का विशेषज्ञ है, जब वह उस फील्ड के बारे में बोलता है तो उसकी बात को लोग बड़ी तन्मयता के साथ सुनते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, अगर हम बता सकें उसको। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जागरूकता के भाव के कारण ही जो डेफिसिट है ब्लड के डोनर के लिए, डोनर के भाव में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग देने वाले ना हो, हर स्वस्थ व्यक्ति दे सकता है। किस उम्र से किस उम्र तक का व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, यह हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। गांव-गांव में, स्कूल स्कूल में कॉन्फ्रेंसेस हो, और यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब ट्रांसकॉन का यह आयोजन लखनऊ में आयोजित हो रहा है, इस दौरान देश के अंदर यह सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भी कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में ही अगर मैं बताऊं आपको कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और आधुनिक भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को, 17 सितंबर से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के बीच में सेवा पखवाड़ा का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम भी था कि हर जनपद में हर यूनिट के द्वारा ब्लड डोनेशन के बृहद कार्यक्रम आयोजित होने हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान केवल सेवा पखवाड़ा के दौरान ही उत्तर प्रदेश में 25,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ, और इससे कई गुना लोगों ने अपने ब्लड ग्रुप की जांच करवा करके वहां सुरक्षित रख पाया। जो रेयर ग्रुप है उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है कि उसे हम आवश्यकता होने पर ही वहां पर उससे डोनेट करवाए,
और इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं। अगर वॉलंटरी डोनेशन के लिए हम लोगों को तैयार करें, इसमें स्कूल कॉलेजेस को लेने के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का योगदान, सामाजिक संगठनों को जोड़ना, धार्मिक संगठनों को जोड़ना, समय समय पर उनके बीच में सेमिनार आयोजित करना, यह शुरुआत अगर यहां से होती है तो मेरा मानना है कि जो कमी है अभी भी इस कमी को तो हम दूर कर ही पाएंगे, लेकिन यह एक नई शुरुआत होगी। और यह नई शुरुआत होगी उसकी जहां पे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इसमें डोनेशन का एक अभाव आज भी देखने को मिलता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं, लेकिन अवेयरनेस के अभाव में एक व्यक्ति जिसकी दुखद मृत्यु हो रही है, हर व्यक्ति की संवेदना उस परिवार के साथ होती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके किसी न किसी ऑर्गन का उपयोग देख करके अन्य लोगों की जान को बचाने में हम योगदान दे सकते हैं, वह परिवार योगदान दे सकता है, वह व्यक्ति लोगों को अपनी जान दे करके दूसरों के लोगों की को एक नया जीवन दे सकता है, अनेक लोगों को नया जीवन दे सकता है। इस दिशा में अवेयरनेस का भाव है, और यह तब है जब यह देश महर्षि दधीचि के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपनी अस्थियां दान करके महावज्र का निर्माण करवा करके उस समय की सकारात्मक ताकतों को विजयश्री बनाने के लिए अपना बलिदान दिया था, और उसमें आज भी इस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि ट्रांसकॉन 2023 इस दिशा में उत्तर प्रदेश में यह आयोजन हो रहा है, 15 वर्षों के बाद हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत कुछ नया देने में यह कॉन्फ्रेंस सफल होगी। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए आयोजकों को, खासतौर पर प्रोफेसर कोलिका चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 15 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में ब्लड बैंकिंग के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं देख रहा था कि सभी लोग यहां पर अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, हमारी तो केजीएमयू की कुलपति भी स्पिरिट की विशेषज्ञ है, बाकी यहां पे प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी, प्रोफेसर संगीता पाठक जी और अन्य लोग तो स्टेट के विशेषज्ञ हैं ही। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अब इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और जितना अधिक हम व्यापक प्रचार प्रसार कर पाएंगे उसके उतने अच्छे परिणाम सामने आते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर इस पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग अगले 3 दिनों तक इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन नगर है, कहते हैं भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर इसका नाम लखनऊ पड़ा। यहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी, 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर ही अयोध्या पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग वहां जाने के इच्छुक होंगे। आयोजन समिति की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था दी जा सकती है, अगर कहीं कोई बात होती है तो प्रशासन का भी सहयोग उसमें लिया जा सकता है, क्योंकि देश भर से लोग आए होंगे तो उनकी इच्छा होगी। भारत की ज्ञान विज्ञान की जितनी भी ज्ञान जो भारत का प्राचीन है, वैदिक और पौराणिक ज्ञान जो आपको आज लिपिबद्ध रूप से ग्रंथों के माध्यम से मिलता है, वह यही लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर नेमी सारणी नामक स्थान पर 88,000 ऋषियों ने वहीं पर इस कार्य को संपन्न किया था, वह भी एक लखनऊ के नजदीक। लखनऊ के पास ही आपको
अन्य अनेक चीजें देखने को मिलेंगी और हमें प्रसन्नता होगी कि देश भर से आप इस फील्ड के विशेषज्ञ आए हैं। आप सब लखनऊ के साथ साथ अगल बगल के क्षेत्रों का भी भ्रमण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें इस विषय की, क्योंकि आप लोग जाएंगे तो लोगों लोग एक बार जिज्ञासा बस पूछेंगे कौन लोग हैं, पता लगेगा इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं। फिर लोग जानने का प्रयास करेंगे ये लोग क्या करते हैं, तो उनको जब लोग बताएंगे थोड़ा विस्तार से तो लोग उस दिशा में और अच्छा थोड़ा सोचने का एक प्रयास और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी इस फील्ड के बारे में और जानने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पब्लिक अवेयरनेस की दिशा में कुछ ठोस प्रयास आगे कर पाएंगे। मैं यहां पे राज्य सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी सहयोग यहां पे शासन की ओर से आपको चाहिए होगा सरकार उसमें भरपूर योगदान देगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।